बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ के साथ मैं हूं नवीद बिलावल और मैं हूं नबीला अजीज। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। पाक फौज का डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 3 मेजर्स के खिलाफ एक्शन, मुलाजमत से बरतरफ। 2 फौजी अफसरों को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक सजा पाने वाले इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए। चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी, नैब की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान की भरपूर हिमायत का ऐलान। कहा, मौलाना ने इलेक्शन के फौरी बाद इस्तीफे देने का कहा था, उनकी बात में वजन था, उसे रद्द करना गलत था। इमरान फारूक कत्ल केस में बयान कलम बंद कराने के लिए गवाह जाती हैसियत में तलब। FIA ने बरतानवी हुकूमत से हासिल किए गए शवाहिद इंसिदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश कर दिए। शवाहिद में फुटेज, आला कत्ल और फ्रेंसिक रिपोर्ट शामिल। सिंध पुलिस के हिसाब किताब में गड़बड़ घोटाले, नैब ने IG सिंध से 96 अफसरान की तफसीलात तलब कर ली। शहीद पुलिस ऑफिशल्स को दी गई रकम का रिकॉर्ड भी मांग लिया। सिंध में तालीम का बुरा हाल, ऊपर से महकमे का एक और कमाल। नैब ज़दा डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल दीदार जलवानी को प्राइमरी का एडिशनल चार्ज भी सौंप दिया। दीदार जलवानी पर जाली भर्तियों का इल्जाम है। महकमा सेहत सिंध ने दवाओं की खरीदारी में हाथ की सफाई खूब दिखाई। ड्रग लेबोरेटरी से टेस्ट कराए बगैर बड़े पैमाने पर दवाओं की खरीदारी का इंकशाफ। आप न्यूज ने ऑडिट रिपोर्ट हासिल कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान मसले कश्मीर पर आलमी मीडिया के रवैये पर हैरान, कहते हैं हांगकांग मुजाहरे तो शह सुर्खियों में हैं। मकबूजा कश्मीर में जन्म लेने वाले इंसानी अलबिये को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुल्क भर में आज इजहारे यकजहती कश्मीर रैलियां निकाली जाएंगी। डी चौक में हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन लॉकडाउन का 68वां दिन। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के शुरका लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाने पर बसे। 10 कोल में पड़ाव का 6ठा रोज, भारत के खिलाफ नारेबाजी। की इलेक्ट्रिक की गफलत ने एक और मां की गोद उछाड़ दी। नॉर्थ नाजमाबाद में करंट लगने से बच्चा जां बहक। शनाख्त 8 साल रिजवान के नाम से। नारंग मंडी में दुकानदारों ने चोरी के शुबे में बच्चों को सरे बाजार तमाशा बना दिया। मुंह काला करके आधे सर के बाल मुंडवाकर इलाके का चक्कर लगवाया। कानून की धज्जियां उड़ती रहीं और चंद गज के फासले पर पुलिस स्टेशन में कानून के रखवाले अम की बांसुरी बजाते रहे। आप न्यूज पर खबर चलने पर एक्शन, मुलजिम गिरफ्तार। बड़ों ने तो अपना छोटापन दिखा दिया, ये न सोचा कि रूह पर लगे घाव कैसे भरेंगे। कब तक मासूम जेनों पर गैर इंसानी सलूक के कौड़े बरसाए जाते रहेंगे। खुद ही अदालत लगाकर खुद साख्ता मुनसिफ बन जाने वालों को कब कटहरे में लाया जाएगा। आवाम सरापे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ दौर में COPIA मुशर्रफ रसूल की तकरीरी गैर कानूनी करार दे दी। अदालती फैसले के मुताबिक एयरलाइन पहले ही करीबुल मर्ग है। मुशर्रफ रसूल की तकरीरी दोस्तों को नवाजने की बुरी मिसाल है। कौमी इदारे में बड़े ओहदे पर तकरीरी के दौरान कवायद का ख्याल रखा जाना चाहिए। अवामी नुमाइंदे आवाम को महंगे पड़ने लगे। ऐवान में आए ना आए, एक रुकन की महाना 2 लाख तनख्वाह पक्की। अरकान की कानून साजी पर कम और अपनी मराहत पर तवज्जो ज्यादा। एक साल में सिर्फ 7 कवानीन पास हुए।
पंजाब में डेंगू मच्छर फिर भिपर गया। 24 घंटों में 230 अफराद में वायरस की तस्दीक। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी डेंगू वबा बन गया। सूबे में अब तक 6000 अफराद मुतासिर। लाहौर समेत पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल का दूसरा रोज। ओपीडीज में काम बंद। हुकूमत ने मुतालिबात न माने तो इमरजेंसी भी बंद कर देंगे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की धमकी। वजीर साइंस फवाद चौधरी का नया शोशा। पुलिस नाकों से जान छुड़ाने के लिए तजावीज मांगती। 3 हफ्ते के अंदर बेहतरीन आइडिया देने वाले को 20 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। पिशावर पुलिस टेक्नोलॉजी के मैदान में एक कदम आगे। जराइम पेशा अफराद के बारे में आवामी सतह पर आगाही के लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी। 3000 से ज्यादा मुजरमों का रिकॉर्ड बमा तस्वीर सिर्फ एक क्लिक पर। मुजफ्फरगढ़ में चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी ने सरकारी दफ्तर को आरामगाह में बदल दिया। चारपाई पर आराम करने की वीडियो वायरल। कराची सुपर हाईवे के करीब ट्रॉलर की कार को टक्कर। 2 अफराद जान बहक, 2 जख्मी हो गए। शाम में अस्करी कार्रवाई करने पर तुर्की पर कड़ी पाबंदियां लगाने का मंसूबा। अमरीकी हुक्मरान जमात रिपब्लिकन पार्टी ने बिल पेश करने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस खातून रुकन लिस्टेनी कहती हैं तुर्की को हमारे कुर्द इत्तेहादियों पर बेरहमी से हमला करने के संगीन नतीजे भुगतना होंगे। और जद्दा के करीब से गुजरने वाले ईरानी तेल बरदार जहाज पर हमला। 2 मिसाइल दागे गए। जहाज में शोले भड़क उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक वाकया दहशतगर्दी की कार्रवाई लगता है।